नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। लखनऊ अलीगढ़ से है, जहां जन कल्याण समिति की ओर से उनके मुख्य कार्यालय अहमदउल्लाह नगर शाहजमाल पर शरबत वितरण कर समाज को नशा मुक्ति भारत करने का संदेश दिया गया। जन कल्याण समिति ने बताया कि किस तरह हमारा देश और प्रदेश नशा मुक्त होकर उन्नति और तरक्की की ओर जाए और हमारा समाज नशा मुक्त हो जाए तो हमारा समाज तंदुरुस्त समाज कहलाएगा। मैं मुजफ्फर इकबाल, जन कल्याण समिति की ओर से उप सचिव, और इमरान साहब बैठे हैं, इमरान साहब जो हमारी संस्था के सचिव हैं जन कल्याण समिति की। आज हमने शरबत वितरण का हमने कैंप शाहजमाल के अंदर प्रतिनिधि लगाया, और हमने इस शरबत के कैंप से यही संदेश देना चाहा कि शराब आज नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति दिवस है, तो हम पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को नशा मुक्त भारत कैसे बनाया जाए। गाजियाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल की 14 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। ये मसूरी थाना क्षेत्र में शिवशंकर टेक्सटाइल फैक्ट्री है, उसका गोदाम है। उसमें लगभग 4 बजे सुबह आग लगने की सूचना मिली। तत्काल जो है हापुड़ और गाजियाबाद से भी गाड़ियां यहाँ के लिए भेजी गई, और देखा गया कि काफ़ी बहुत बड़ा टीन सेट का गोदाम है, उसमें आग लगी हुई थी और आग काफ़ी हिस्से में फैल चुकी थी। तत्काल चारों तरफ से घेर करके आग को। खबर अलीगढ़ से, जहां एमयू लाइब्रेरी में शोर मचाने का विरोध करने पर छात्र पर किया चाकू से हमला किया गया। तो वहीं घटना के बाद एमयू स्टाफ द्वारा घायल छात्र को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल घायल छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, जिस पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। स्टूडेंट है, पढ़ने गया था लाइब्रेरी में, बोला लगा लाइब्रेरी पढ़ रहा था, कुछ लड़के अज्ञात लोग से कुछ छेड़छाड़ करने लगे। इसने मना किया कि शोर मत करो, और शोर करने मना करने के बाद बाहर आके तो चाकू हमला कर दिया। बीटेक की उसकी। अलीगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक पाकिस्तानी हैं, ये जानकारी जिला प्रशासन को एक शिकायत के दौरान मिली। बता दें कि जलाली में शत्रु संपत्ति को लेकर जिला प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने शत्रु संपत्ति की जांच पड़ताल में जुट गई थी। मामले पर SDM कोल संजीव ओझा ने बताया कि साल 1947 में देश के बंटवारे के दौरान जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उन लोगों की संपत्तियों को कब्जे में लिया गया था और उन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति नाम दिया गया था। फिलहाल SDM मोरा ने अधिकारी संपत्तियों की जांच करने में जुटे हुए हैं। स्टूडेंट है, पढ़ने गया था लाइब्रेरी में, बोला लगा लाइब्रेरी पढ़ रहा था, कुछ लड़के अज्ञात लोग से कुछ छेड़छाड़ करने लगे। इसने मना किया कि शोर मत करो, शोर करने। ये शत्रु संपत्ति जो है, ये पार्टीशन के समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय जो लोग वहाँ चले गए थे, उनकी जो संपत्ति रह गई थी, वो संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाई, और उस पर सरकार का ही वो माना गया स्वामित्व, और इसके लिए एक अलग विभाग बना हुआ है, उसका हेड ऑफिस है मुंबई में। प्रयागराज के यमुना पार करछना थाना क्षेत्र में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की भनक लगते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने मौके पर प्रेमी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद घायल प्रेमी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला गीना देवी, इनके पति थे श्री संतोष कुमार जी, इन्हीं के घर पे पिछले 5-6 महीने से इनके एक निजी जानने वाले राम बाबू, जो कि पिछले 6 महीने से इन्हीं के घर पे रह रहे थे, उनका और आए दिन इन लोगों में विवाद भी होते रहता था जी। कल देर रात किसी एक बात से नाखुश होकर के गेंदा देवी और उनके प्रेमी राम बाबू ने मिलकर के एक घटना कर दी, जिसमें उन्होंने अपने पति की मुंह दबा
खबर बिजनौर से है, जो 8 बजे के बाद भी स्कूल नहीं खुला और बच्चे 7:30 बजे से अपने बैग गेट पर लटकाकर अध्यापकों का इंतजार करते मिले। बता दें, स्कूल खोलने का समय 7:30 बजे निर्धारित है, लेकिन बच्चों का कहना है कि अध्यापक 8 से 9 बजे के बीच में ही विद्यालय खोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे घंटों गेट पर खड़े होकर इंतजार करने को मजबूर होते हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर यूपी कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजनौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेसियों ने हाथों में गांधी जी की मूर्ति लेकर सत्याग्रह करने की बात कहते हुए बताया कि केंद्र सरकार की लाई गई अग्निपथ योजना युवाओं के लिए बहुत बेकार साबित होने वाली है। केंद्र और यूपी सरकार लगातार आम नागरिकों का शोषण कर रही है। सत्याग्रह कर रहे हैं गांधी जी की मूर्ति के सामने, और ये पूरे देश में है। जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने लागू की है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, इसे पूरे देश के अंदर कांग्रेस इसका विरोध करती है। सत्याग्रह को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं पूरे देश के अंदर आज है, और हम लोगों ने बिजनौर में भी सारी विधानसभाओं में आज सत्याग्रह करने का काम किया है। अब हम लोग ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये कभी अग्निपथ लाने की कोशिश करती है, कभी कुछ अग्निपथ के नाम पे बच्चों से क्या खिलवाड़ कर रहे हो भाई। 3 साल में 1 साल की ट्रेनिंग हो गई उनकी, उसका उनका भविष्य चौपट हो जाएगा, उनकी शादी तक नहीं होगी, कौन शादी करेगा 3 साल की नौकरी वाले के लिए। तो ये लोग बच्चों अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।